जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों आज का जो ये वीडियो स्पेशली है आर्मी और CAPF यानी SSGD के द्वारा जो BSF, CRPF, CISF, ITBP इन सभी फोर्स असम राइफल इनमें जाते हैं और आर्मी इनमें क्या क्या बड़े डिफरेंस है जो मतलब आर्मी को और CPF को अलग करते हैं और कितना मतलब इनमें फ़र्क है, इसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो है। साथ ही बता दूँ अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो मैं फिजिकल चैलेंज देता हूँ जिसको आप एक्सेप्ट करके वो वीडियो बना के अगर मेरे को देते हो और आपका टॉप आता है टॉप 5 या टॉप 3 में तो आपको मेरी तरफ से लोअर ईयर टी शर्ट जो आपकी इच्छा होगी वो आर्मी का जो मैं पहनता हूँ टी शर्ट जो आप थंबनेल में देख रहे हो वैसी की वैसी शानदार टी शर्ट आपको एड्रेस पर भेज दूँगा दोस्तों। तो जिन्होंने अगर वो वीडियो नहीं देखा मेरा फिजिकल चैलेंज वाला वो जाके देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी है, आप देख सकते हो दोस्तों। और आप एक्सेप्ट करके उसके कंडीशन के अनुसार आप वीडियो बना के मेरे को सेंड करिए तो वो वीडियो मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे लगाऊंगा और फिर आपको अगर ज़्यादा वोटिंग मिलेगी तो आपको डेफिनेटली मेरी तरफ से शानदार प्राइज जो आपकी इच्छा होगी टी शर्ट लोअर या शूज़ जो आपको लेना है मेरी तरफ से मिल जाएंगे दोस्तों। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि जो आर्मी और CAPF इनमें जो बड़े डिफरेंस है वो क्या क्या है। सबको ही पता है एक तो जो बेसिक डिफरेंस है वो पेंशन का, सब ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आर्मी हो या नेवी हो एयरफोर्स अभी देश में केवल इन तीन को जो डिफेंस में आते हैं इनको ही पेंशन सुविधा है, इसके अलावा किसी को पेंशन सुविधा नहीं है। हाँ पॉलिटिशियंस को है लेकिन किसी भी गवर्नमेंट जॉब को नहीं है। तो CAPF में या SSGD की जो आती है BSF, CRPF इनमें पेंशन सुविधाएँ नहीं है जैसा आप सभी को पता है। लेकिन साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि पेंशन तो अभी भी मिल रही है लेकिन फिर बंद भी है और मिल भी रही है, दोनों काम कैसे हो रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि जो OPS है ओल्ड पेंशन सिस्टम या ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले चलती थी 2004 से पहले वो बंद हो गई है दोस्तों, लेकिन आर्मी में वही अभी कंटिन्यू है जबकि बाकी सब जगह से वो बंद हो गई है। अब कौन सी पेंशन स्कीम चल रही है, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS के द्वारा अभी जो पेंशन दी जा रही है ये NPS के द्वारा है जिसमें OPS से काफ़ी चेंजेस है जिसकी वजह से लोग ये मान रहे हैं कि पेंशन बंद हो गई क्योंकि NPS में काफ़ी वो नुकसान है जो OPS में प्रॉफिट थे, NPS में वो काफ़ी सारे लॉस है इसीलिए लोग ये मान रहे हैं कि NPS पेंशन के जैसा नहीं है। तो आर्मी को वही पेंशन सुविधाएँ हैं लेकिन इन पैरामिलिट्रीज को वो पेंशन सुविधाएँ नहीं है दोस्तों। इसके अलावा दूसरा अगर आप देखना चाहो अंतर तो वो है कैंटीन सुविधा। आपको जैसा कि पता है कि जो CDS कैंटीन है उनमें GST नहीं लगती है, कैंटीन में जो छूट होती है उसमें GST बिल्कुल नहीं लगती है, सेम प्राइस पर माल खरीदा जाता है उसी पे कैंटीन में दिया जाता है। लेकिन जो CPC कैंटीन है सेंट्रल पुलिस जो कैंटीन है उनमें GST की छूट नहीं मिलती है, इसी वजह से उनमें सामान आर्मी कैंटीन के बजाय थोड़ा सा महंगा मिलता है क्योंकि GST आपको पता ही है हर एक आज के टाइम में जो भी सामान है कुछ भी ऐसी वस्तु उन सभी पे GST है तो उसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा सामान महंगा मिलता है। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर पैरामिलिट्री में लिक्विड कार्ड मिलता है क्या, तो लिक्विड कार्ड तो नहीं मिलता लेकिन हाँ लिक्विड मिलने सुविधाएँ ज़रूर है, कई सेंटरों में वो सुविधाएँ दी गई है वहाँ पर छूट भी मिलती है लेकिन हाँ लिक्विड कार्ड नहीं बनता है, कैंटीन का भी कोई स्पेशली कार्ड नहीं बनता है, CPC कैंटीन में आपको आई कार्ड से ही सामान दे दिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आर्मी और पैरामिलिट्री में और अगर आप बड़े अंतर की बात करो तो वो एक्स सर्विसमैन कोटा या एक्स सर्विसमैन। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है आपको जैसा कि पता है कि आर्मी में जो सर्विस करता है कम से कम 16 साल तक आपको सर्विस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा भी आप चाहो तो 16 साल ही कर सकते हो अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो, अगर आप प्रमोशन लेते हो तो आपकी सर्विस 3 से 4 साल 2 साल 3 साल बढ़ा सकते हो लेकिन पैरामिलिट्री में ऐसा नहीं है, पैरामिलिट्री में आपको कम से कम 20 साल तक सर्विस करनी पड़ेगी, मिनिमम 20 साल से अगर पहले आप सर्विस मतलब उससे पहले अगर आप रिटायरमेंट लेते हो तो आपको वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी जो पैरामिलिट्री के अधीन आती है, वहाँ पर नियम है कि 20 साल। हाँ ऐसे तो आप 10 साल बाद में भी रिटायरमेंट ले सकते हो, 10 साल से पहले रिटायरमेंट लेने और 10 साल में लेने और 20 साल में लेने के क्या क्या बेनिफिट्स है वो एक बार यहीं पे बता दूं मैं आपको। तो अगर आप 10 साल से पहले लेते हो तो आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे, अगर आप 10 साल से पहले अगर गवर्नमेंट जैसे पैरामिलिट्री BSF, CRPF, ITBP, असम राइफल या
CISF, इनमें किसी में अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली और 10 साल से पहले अगर आप इस जॉब को छोड़ रहे हो तो आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे, 3 महीने की पेमेंट विथ रिस्क अलाउंस, मतलब टोटली पैसा वो जमा कराना पड़ेगा, फिर आपको वो सर्विस छोड़नी पड़ेगी। लेकिन 10 साल पर अगर आप रिटायरमेंट लेते हो तो आपको ये पैसा जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पैसा जमा कराने की ज़रूरत नहीं। और अगर 20 साल पर लेते हो तो आपको NPS सुविधाएं जैसी आपकी या और भी जितने भी प्रॉफिट होते हैं फौज के, वो सारे प्रॉफिट आपको मिलेंगे। लेकिन आर्मी में आपको 16 साल के बाद में आप सर्विस छोड़ सकते हो। तो एक सर्विसमैन का कोटे का जो फ़ायदा है, वैसे तो आप सभी को पढ़े लिखे हो जो ज्वाइन करने वाले हैं सभी को पता है, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता उनको बता दूं कि हर एक वैकेंसी, चाहे स्टेट पुलिस हो, CPO, SI हो, या जैसे पैरामिलिट्री में भी SI हो गए, और स्टेट पुलिस, दिल्ली पुलिस, या इन सभी पुलिस फोर्स, बैंक, इन सभी में एक सर्विसमैन का अलग से कोटा आता है रिजर्व। जब भी वैकेंसी निकलती है तो उनका अलग से कोट आता है, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि 16 साल वो आर्मी में सर्विस करने के बाद में अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले तो इन सिविल सर्विस में जा सकते हैं। जैसे आबकारी विभाग में आपने देखे होंगे कई एक सर्विस मैन है, गार्ड में लगते हैं, और सिविल पुलिस में भी बहुत सारे लग जाते हैं, बैंक में आपने बहुत सारे, जितने भी नेवी के जो लड़के होते हैं वो रिटायरमेंट होने के बाद में अधिकतर आपको बैंक में मिलेंगे नेवी एयरफोर्स वाले। तो ये कोटा आर्मी को ही है या डिफेंस को है, केवल आर्मी नहीं, मैं आर्मी वर्ड से डिफेंस को पूरी को ले रहा हूँ और पैरामिलिट्री को इधर, तो पैरामिलिट्री को ये सर्विसमैन कोटा नहीं है। हाँ, मिलता थोड़ा सा, लेकिन इतनी अलग से कोई सीटें रिजर्व नहीं है दोस्तों। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए इनकी बार बार मांग उठ रही है, आपने सुना भी होगा कि ये तो ओल्ड पेंशन की मांग बहुत ज़्यादा उठ रही है एक सर्विसमैन का। और अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो आर्मी की पे है उसमें एक मिलिट्री सर्विस पे मिलता है, जो कि CRPF, BSF, ITP इनमें ये पे नहीं मिलता है। मैंने पे स्लिप पे भी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना, उसमें आर्मी की पे स्लिप और CAPF इनकी पे स्लिप को कंपेयर मैंने किया है, तो वहाँ जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। लेकिन जो बड़ा MS पे है, मतलब मिलिट्री सर्विस पे, तो उनको वो पैसा मिलता है मिलिट्री सर्विस पे का, और इनको पैरामिलिट्रीज को सर्विस पे नहीं मिलता। ये भी एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। इसके अलावा आपको जैसा कि पता ही है, आर्मी की जो फैसिलिटी होती है फैमिली को, डिपेंडेंट को, वो जैसे वो रैली भर्ती देख सकते हैं साल में ज़्यादा बार, तो पैरामिलिट्रीज में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आपका रिलेटिव है तो उसको वापस पैरामिलिट्री में, अगर CRPF में कोई आपका मतलब फादर है उसके बेटों को CRPF में आने के लिए कोई छूट है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन आर्मी में ऐसा है, आपका मतलब डिपेंडेंट है उनको छूट दी जाती है, जैसे अगर आप आर्मी में सर्विस कर रहे हो तो आपके बेटे को छूट मिलेगी, अब वो ज़्यादा वैकेंसी देख सकता है अलग से, रिलेशन जिसको वैकेंसी बोलते हैं उनको देख सकता है। लेकिन CRPF, BSF, ITBP, पैरामिलिट्री किसी में भी ऐसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है कि अगर मान लो मैं हूँ और अगर मेरा छोटा भाई है तो उसको रिलेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा नुकसान है जिसको बता रहे हैं, क्योंकि अगर किसी का आर्मी में ऐसा हो सकता है तो पैरामिलिट्री में भी ऐसा हो सकता है। ये भी कई बार बातें सामने आई है कि आर्मी वालों को जैसे रिलेशन, आपको पता ही रिलेशन वैकेंसी अलग से आती है, आपने देखा भी होगा, तो उनमें उनको छूट मिल जाती है रिलेशन वैकेंसी में, मतलब एक साल में वो 3 से 4 बार देख सकते हैं वैकेंसी, क्योंकि ज़्यादा रिलेशन वाली वैकेंसी आती है अलग अलग जगह, तो वो छूट मिल जाती है उनको। ब्रदर का भी अलग रिलेशन मिल जाता है, फादर का अलग रिलेशन मिल जाता है, लेकिन CRPF पैरामिलिट्रीज में इस प्रकार के कोई भी छूट या रिलेशन, मतलब डिपेंडेंट से कोई ऐसा मतलब नहीं। इसके बाद में आर्मी की जो मेडिकल सुविधाएं होती हैं, आपको पता है आर्मी के देश में हॉस्पिटल है, खुद के पर्सनल हॉस्पिटल है, जिनमें मेडिकल ट्रीटमेंट होता है बंदे के साथ साथ उसकी फैमिली का, जो उस पर डिपेंडेंट करते हैं उन सभी का, और जो पेंशन की सुविधा है उसमें भी उसकी फैमिली सभी को पेंशन की सुविधाएँ दी गई है OPS के अनुसार। लेकिन जो पैरामिलिट्रीज है इसमें खुद के हॉस्पिटल नहीं होते हैं स्पेशली, मतलब कोई पर्टिकुलरली बड़ा हॉस्पिटल इनका नहीं है, जो ग्रुप सेंटरों में या सेंटरों में जो हॉस्पिटल होते हैं वही होते हैं स्पेशली, जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल अलग से नहीं होता। हाँ, थोड़े से सेंटरों में होते हैं, लेकिन जहाँ हाई लेवल के जितने आर्मी में उतने नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, फिर कुछ हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल मेडिकल फैकल्टीज़ है उनको अपने अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जिनका जिनमें अगर आप इलाज कराते हो तो वो पैसा आपको ये पैरामिलिट्रीज देते हैं। मेडिकल सुविधाएं हैं आपको, लेकिन आर्मी के पर्सनल हॉस्पिटल्स होते हैं, पैरामिलिट्रीज के पर्सनल हॉस्पिटल नहीं होते। आपको उसके लिए जो भी आपके, जैसे आप मान लो कि बिलोंग करते हो जयपुर से, तो जयपुर के कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं गिने चुने जो पैरामिलिट्रीज के अंडर आते हैं, उसकी एक लिस्ट बनी हुई होती है, वो आप देख सकते हो। अगर आप वहाँ पर इलाज कराते हो तो उसका जो बिल का पेमेंट होता है वो आपका डिपार्टमेंट करता है। तो मेडिकल सुविधाएँ हैं, लेकिन बाहर की जो मेडिकल सुविधा है उससे कनेक्ट करके,
और आर्मी में ऐसा नहीं है, आर्मी में पर्सनल हॉस्पिटल है, सभी का इलाज वहाँ हो सकता है और बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो सकता है वहाँ पर, आपको पता ही है। तो दोस्तों ये कुछ अंतर थे जिनकी हमने बात की है। इसके अलावा अगर और भी बहुत सारे अंतर है, और भी बहुत सारे फ़र्क है, सभी पर एक साथ वीडियो नहीं बना सकते, तो आप बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पर नहीं हो तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जय हिंद, जय भारत।